तो जैसा कि मैं आपको बिंदी के बारे में बता रही थी तो आपको बताऊंगी कि ऐसे देखिए ये बाथरूम है तो ये देखिए ये बिंदी यहाँ जैसे कि मान लो बिंदी नहाते समय निकल गई यहाँ लगा दिए तो ठीक है लेकिन जब इसको दीपावली में पुतवाएँगे तो क्या करेंगे जो मजदूर लोग होते हैं इसको खुरूच के नीचे गिरा देंगे और झाड़ू से बटोर के कचरा में फेंक देंगे चलो मैं मान लेती हूँ कि आपके माथे से बिंदी निकल जाती है तो जैसे मान लीजिए आप श्रृंगार कर रहे हो आपको साड़ी के मैच की बिंदी पहननी है तो आप बिंदी को पुरानी बिंदी निकाले आईना में या ड्रेसिंग टेबल पर कहीं चिपका दिए फिर काम वाले से बोले कि चलो आईना को इस सबको साफ़ कर दो तो क्या करते हैं बिंदी को निकाली नीचे फेंके झाड़ू से लगाई और साफ़ कर दिए तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए नमस्कार मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी की एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ आप लोग के कमेंट पर ये वीडियो बना रही हूँ बहुत सारे हमारे व्यूवर हमारे जो आसान जिंदगी देखती हैं बहनें हमारे सब्सक्राइबर बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं लेडीज़ कि वो बिंदी माथे में जैसे लगाती हैं तो कई लोग को बिंदी लगाती हैं तो वहाँ खुजली होती है इसके बारे में बताऊंगी बिंदी निकाल के कहाँ रखें इसके बारे में बताऊंगी और विस्तार से बताऊंगी बिंदी के बारे में इससे पहले आसान ज़िंदगी में सिंदूर के बारे में चूड़ी के बारे में महार के बारे में विस्तार से बताई हूँ आप वीडियो को सर्च करके देखें और ये भी बताई हूँ और उन सभी सुहागिनों को ये सब वीडियो जरूर देखना चाहिए विशेषकर ये वीडियो जरूर देखना कि क्यों सुहागनों को अपने सुहाग की चीज अपनी सगी बहन को भी शेयर नहीं करना चाहिए ये जरूर देखें इसका काफ़ी महत्व होता है जैसे एक बार आप माथे में लगाओगी एक दिन लगाए दोगे उसको उतार कर रख दोगे तो बिंदी झूठी हो जाती है और उसके बाद बिंदी जैसे कहीं जगह जगह है इस टाइप का डिब्बी निकाल लो उस डिब्बे में बिंदी रख लो और पेड़ पौधों के नीचे दबा दो ये देखो ये झूठी बिंदी है यानी इसको झूठा कर दिया गया माथ से निकाल के रख दिया जाता है क्यों रखा जाता है जैसे मान लीजिए सूतक है पातक है या आप अशुद्ध अवस्था में हैं आपको उस समय कहीं बाहर जाना है तो आप नई बिंदी न लगाएं सूतक पातक और माहवारी में तो ये जो जूठी बिंदी है ये आप अपने हिसाब से जिस भी कलर का कर लगाना चाहें इस टाइप का एक बार माथे में लगाएँ एक दिन हो जाए तो एक दिन में तो बिंदी पुरानी होती नहीं उसको निकाल के रख दें और इसी बिंदी को सूतक पातक और अशुद्धता में इसको यूज करें पुरानी बिंदी देखो ये पुरानी बिंदी जैसे कि मान लीजिए बाथरूम में है ड्रेसिंग टेबल पर है पलंग पर है कहीं दीवार में है तो उसको हम उस समय चिपका देते हैं लेकिन बाद में उसको याद से निब्बी में रख दो इकट्ठा हो जाए तो इसको गमले में दबा दो इस सुहाग की चीज़ें कभी भी पाँव के नीचे नहीं आने चाहिए इनको झाड़ू से नहीं बटोरना चाहिए और कहीं शादी ब्याह में जाओ तो वहाँ पर तो बिल्कुल अपनी बिंदी छोड़ के मत आओ तो आपको दिखा रही हूँ चलिए बिंदी के बारे में विस्तार से बताती हूँ आपको ये बताना चाहूँगी कि लगभग आज के सौ साल पहले महिलाएं बिंदी नहीं लगाती थीं यानी हिंदू महिलाएं क्यों नहीं लगाती थी क्योंकि कुमकुम -कुम, जो कुमकुम -कुम होता है उसका बड़ा टीका यहाँ जैसे हम लोग अभी यहाँ बिंदी लगाते हैं यहाँ ना यहाँ माथे के बीच में लगाती थी यानी कि भाव के ऊपर तो जो कुमकुम -कुम होता है उसी का गोला सा बड़ा सा टीका लगा लेती थी और वो दिन भर में इधर उधर सोते जागते नहाते वो छूट जाता था फिर नहाने के बाद कुछ खा के लगा लेती थी उसके बाद जब बिंदी का चलन हुआ यानी कि जैसे हमारा भी अभी पचास बावन साल उम्र हो गई है तो जब बिंदी का चलन हुआ तो बहुत सारे जो हमको उत्तर प्रदेश बिहार और राजस्थान की जो महिलाएं देखती हैं पुराने जो माताएं हैं वो जानेंगी तो बिंदी के साथ साथ एक बिंदी चिपकाने वाला भी लिक्विड मिलता था गुद की तरह रहता था जैसे कि किसी पेड़ को काटो तो उसमें से दूध निकलता है उसको दो सूख जाता है तो चिपचिपा रहता है तो जब बिंदी पुरानी हो जाती थी तो माताएं उस चीज़ को लिक्विड को बिंदी के पीछे लगा देती थी तो महीनों बिंदी चलती थी यानी मान्यता है पहले की माताएं मतलब चूड़ी एक बार पहन लेती थी तो सालों चलता था शादी ब्याह होता था कोई अशुद्ध सूतक पातक होता था तभी चूड़ियाँ बदलती थी रोज़ आदत नहीं थी कि चूड़ियाँ बदलें या रोज़ बिंदी बदलें या जिस कलर की साड़ी है उसी कलर की बिंदी लगाएं ऐसा नहीं था लाल बिंदी या कुमकुम -कुम की बिंदी लगाते थे अब जैसे जो नया जो अभी का जो कल्चर है वो क्या है पहली बात तो जो बेटियां हैं वो तो ना नाक छिदवाना चाहती हैं और ना बिंदी लगाना चाहती हैं ना सिंदूर लगाना चाहती हैं फिर भी जो लगाती हैं बहुत सारी महिलाएं जो लगाती हैं जो हमारी उम्र की हैं या हमसे ज़्यादा उम्र की हैं या जो अभी हमारे बेटियों की उम्र की हैं वो भी सभी लड़कियाँ ऐसे बात न... नहीं है कि नहीं लगाती हैं बहुत सारे लोग लगाती भी हैं तो बहुत सारे कमेंट है कि जहाँ बिंदी लगाती हैं वहाँ पे सफ़ेद हो जाता है तो स्वाभाविक रूप है कि वहाँ जहाँ तक हम कपड़े पहनते हैं से बनियाइन है कुछ भी तो वहाँ कलर वहाँ पर हल्का रहता है बाकी डार्क रहता है तो स्वाभाविक है लेकिन बहुत सारी महिलाओं का ये प्रश्न है कि बिंदी लगाने की जगह खुजली होती है घबराहट होती है जहाँ बिंदी लगाए रहते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कभी कभी नज़र लग जाती है तो ऐसे में आप क्या करें जैसे खुजली हो रही तो बिंदी लगाना बंद कर दें और हल्दी केसर हो तो घोल के आप तिलक कर लें वो आपका औषधि का भी काम करेगा का, आपको खुजलाहट भी बंद होगी और आपकी बिंदी यानी कि जो बिंदी का जगह है वो भी खाली नहीं रहेगा कैसा नहीं है तो सिर्फ हल्दी घोल के तिलक लगा लें कि बिंदी का जो जगह है वो खाली ना हो जैसे आप कहीं बाहर जाती हैं इसका विशेष ध्यान दें किसी की शादी में ब्याह में वहाँ पर जो शादी का भवन बुक रहता है वहाँ अलग अलग लोगों को कमरे मिले रहते हैं तो वहाँ पर बिंदियों को कई जने इकट्ठा रहते बिंदियों को निकाले चिपका दिए तो उनका भी यही हाल होता है जब वहाँ से वो चले वहाँ सफाई हुआ चले गए बिंदी चिपका के उनका सफाई हुआ तो फिर वही कचड़े में जा रहा है कचड़े में फेंका रहा है तो इसका आप ध्यान दें जब आप कहीं बाहर जाएँ ठीक है आप बिंदी जैसे बिंदी की पत्ता रहती है उसमें आप जैसे बिंदी बदल रहे हैं तो पुरानी बिंदी उसी में चिपका के और घर वापस ले आए ऐसे जगहों में कचड़े में गंदगी में बाल में कहाँ कहाँ आपकी बिंदी फेंकाती है तो इससे सबसे पहले तो पति पत्नी का व्यवहार भी वैसे ही हो जाता है यानी ऐसे गंदगी और कचड़े की तरह अगर स्वच्छ प्रेम सात्विक प्रेम और निर्छल प्रेम चाहती हैं तो इन चीज़ों का ध्यान जरूर दें अब आप बोलोगे कि इससे क्या होता है बिंदी से होने को बहुत कुछ होता है और नहीं मानो तो कुछ भी नहीं होता है मानो तो देव नहीं तो पत्थर और मानो तो गंगा माह है नहीं तो मानो तो बहता पानी तो ये सब कहावतें हैं आपको मैं बता रही हूँ ये सब चीज़ों का ध्यान दें अब आगे से करें इसको फिर मैं आपको बिंदी के बारे में बताऊँगी बिंदी के बारे में बता रही हूँ बहुत सारे लोग क्या करते हैं बिंदी ले गए कहीं भी तो बोलेंगे हाँ हम बिंदी नहीं लाए हैं बता रहे हैं जो स्त्रियाँ क्या चीज़ शेयर न करें आसान जिंदगी में डाली हूँ मैं तो छोटा सा बता दे रही हूँ तो बोले भाई लो हमारे पास है बिंदी ले लो देना भी चाहिए मैं बोलती हूँ श्रृंगार की सभी चीज़ें दान करना चाहिए लेकिन जो आप खुद यूज कर रहे हैं कभी भी अपने सिंदूर में से किसी को अपनी सगी बहन को भी सिंदूर न दें लगाने के लिए क्या करते हैं एक ही डिब्बी है उसमें से माँ भी लगा रहे हैं भाभी भी लगा रही हैं बहन भी लगा रही हैं खुद भी लगा रहे हैं नहीं होना चाहिए सबकी सिंदूर की डिब्बी अलग अलग होनी चाहिए सबकी लिपस्टिक अलग अलग होनी चाहिए इससे तमाम चीज़ों से इन्फेक्शनों से भी बचा जा सकता है और जो शेयर की नीति है श्रृंगार का सामान क्या आप पति का प्रेम कभी किसी से शेयर से करोगे नहीं वही चीज़ मान लो कि वही चीज़ के लिए मना किया जा रहा है आपको कभी भी आप काली और सफ़ेद बिंदी भूल के भी न लगाएं बच्चियाँ क्या करती हैं जिनका विवाह हो गया उनके लिए विशेष बोल रही हूँ अगर कुंवारी हों तो आप लगा सकती हो काली बिंदी काला का ड्रेस है काली साड़ी है तो काली बिंदी लगा लो बिल्कुल नहीं बिंदी का स्वभाव ही लाल चूड़ी लाल सिंदूर लाल और जो महावर लगाते हैं वो लाल मेहंदी का कलर मेहंदी का क्या हरी कभी आप नीले रंग की मेहंदी लगाए हो नहीं ये सब चीज़ें जिस कलर की हैं वो शोभा देता है फिर भी आपकी साड़ियों का कलर का बिल्कुल लगाओ लेकिन सफ़ेद और काला बिंदी मत लगाओ उसी प्रकार से बच्चियों को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान है अभी तो मोबाइल है मोबाइल से तमाम चीज़ें आप जान सकते हो दक्षिण तरफ मुँह करके कभी बिंदी निकालो न और कभी बिंदी लगाओ ना मतलब बोलते हैं कोई श्रृंगार भी दक्षिण तरफ बैठ के चूड़ी पहनना सिंगार करना कुछ ऐसी चीज़ें करना नहीं करना चाहिए बहुत लोगों को मैं ऐसे देखती हूँ जान पहचान के जाती हूँ बोलती हूँ देखिए आप दक्षिण तरफ बैठ के कंघी तो कर लिए कम से कम सिंदूर मत लगाओ तो बोलेंगे क्या दक्षिण है क्या मैं बोली हाँ मैं बहुत देर से देख रही हूँ मत कहना नहीं चाहती किसी को बताओ तो उनको बुरा लगता है कि हमको ज्ञान दे रही हैं तो बोले यार हमको पता नहीं था नहीं लगाना चाहिए मैं तो रोज़ लगाती हूँ मैं बोले नहीं लगाना चाहिए तो अपने ड्रेसिंग टेबल का वो जो डायरेक्शन था उसको बदली बोले हमको नहीं पता था तो हमको ये भी बताए तो मैं आज आपको बिंदी के बारे में बताई हूँ ऐसे ही वीडियो आगे भी आपको देती रहूँगी आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहें देखते रहें आसान जिंदगी तब तक के लिए नमस्कार